यहाँ से हमारी और एक प्रॉब्लम है कि जो हाउस वो जल गए तो जल गए और जो फैमिली अब ये सर्वाइव नहीं कर सकते। इस वक्त हम लोग गार्ड नंबर 9 के अपोजिट डल लेक में मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पिछली गुजरी रात एक आग का हादसा वाकया हुआ जिसमें 5 हाउस बोट्स जो डैमेज हुए हैं, काफ़ी सीवियरली डैमेज हैं। आप देख सकते हैं कुछ बचा नहीं है इन हाउस बोट्स में, और उसके साथ साथ हाउस बोट्स के पीछे जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स थी वो भी आग की जद में आ गई। मौके पर ही उसी वक्त बहुत क्विकली इसकी कॉग्निजेंस लेते हुए सुबह 5:15 बजे के करीब का हादसा है ये, तो उसी वक्त SDRF पुलिस और बाकी जो फायर एंड एमरजेंसी का अमला है सारे मौके पर आ गए और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। लेकिन क्योंकि हाउस बोट का आपको पता है एक टिपिकल लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है, तो एक बार आग लगती है तो विद इन मिनट्स आग जो है पूरी हाउस बोट को खा जाती है। तो लेकिन जो एफर्ट्स हुई पूरे अमले की, यहाँ पर जो हाउस बोट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, बाकी लोग हैं, इन सब ने मिलकर हमारा जो अमला आया फायर एंड एमरजेंसी से, पुलिस से, SDRF से, तो उनके साथ मिलकर कम से कम 4 हाउस बोट्स को यहाँ से इमिजिएटली रेस्क्यू किया गया और सबसे अहम बात के किसी किस्म का जानी नुकसान होने से बचाया गया। तुरंत कार्रवाई की गई और जितने इनमेट्स थे, जितने लोग रह रहे थे, टूरिस्ट थे उन हाउस बोट्स के अंदर, तो उनको भी शिफ्ट किया गया इमिजिएटली और 4 मजीद जो हाउस बोट्स थे उनको आग की जद में आने से बचाया गया। तो अमले ने काम किया लेकिन नुकसान है डेफिनेटली इनका, जो हाउस बोट्स हैं आप सामने देख सकते हैं, काफ़ी संगीन आगजनी का ये वाकया पेश आया। फैमिली को रिहैबिलिटेट करने के लिए प्रशासन जो है क्या काम उठा? देखिए मैं खुद आया हूँ यहाँ इस पूरे इशू को असेस करने के लिए और हमारी तरफ से जितनी मदद हो सकेगी पूरे तरीके से इनकी मदद करेंगे। मोहम्मद याकूब खन्ना। तो आप बताइए जो आग लगी है तो कैसे लगी है और कितनी नुकसान? कोई समझ नहीं आ रहा है कि आग कैसे लगी। बाकी 3:30-4 बजे के करीब ये आग नमूदार हुई। हम उठे तो ये बेसिकली सारा लकड़ है तो इसमें समझ नहीं आता है। विद इन फ्रिक्शन ऑफ टू मिनट्स एवरीथिंग वाज गॉन। तो ये अगर हम डैमेज देखें ओवरऑल तो ये करोड़ों में है, एग्जैक्ट फिगर नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे हिसाब लगाए तो करोड़ों में कुछ कह नहीं सकते, 10-15 करोड़ रुपए का नुकसान है। कितने हाउस बोट्स? 5 हाउस बोट्स जो इसमें रह रहे थे तो उनको कोई स्क्वीज? देखिए हमने इवैक्यूएट किए हमारे बंदों ने कुछ टूरिस्ट, एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते हैं कि कितने इवैक्यूएट हुए या नहीं, वो हम नहीं कह सकते, लेकिन होपफुली हमें यकीन है कि सारे इवैक्यूएट हुए। डीसी साहब यहाँ पे इन्हें दौरा किया तो क्या कुछ उम्मीदें हैं गवर्नमेंट से? अब देखिए गवर्नमेंट क्या करे, ये तो देखिए तो सब कुछ खत्म हो गया है, आप खुद भी देख सकते हैं आपके सामने है, कुछ नहीं बचा है, एवरीथिंग इज गॉन, सब कुछ खत्म। मंजू साहब जो आग लगी है तो इसकी क्या वजह है और क्या बार बार यहाँ पे क्यों आग लग जाती है? देखिए वजह तो शॉर्ट सर्किट ही हुआ है जो हमारी नोट्स में आया, और विंटर का टाइम भी अब आ रहा है तो सर्दियाँ बढ़ रही हैं, तो विंटर्स में आपको पता ही है कि ऐसे हादसात होते रहते हैं,
तो ये बदकिस्मती की बात है, बदकिस्मती का आलम है। मेरे को लगता है डल लेक में पहला ऐसा ये घटित जो इंसिडेंट हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितना नुकसान है, करीब 30-35 करोड़ का होगा ही होगा। 4-5 हाउस बोट्स में घटित हो गए, और जो भी जिनके अपने वो रेजिडेंशियल हट्स थे वो भी हो गई हैं सारी। तो अब हमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट से हमारी उनसे यही उम्मीद रहेगी कि ये जो फैमिलीज हैं इनको कैसे आप सेफ मोड पे ला सकते हैं। इनके साथ मेरे को लगता है जो हमें प्रीवियस एक एक्सपीरियंस है तो बहुत सफ़र करना पड़ा इन लोगों को जिनके गटेड हुए थे। फिर हाउस बोट बनाने के लिए परमिशन, कोई टिम्बर का कोई ऐसी सहूलियत नहीं मिल रही है। तो हमने एलजी साहब से रिसेंटली कुछ 1.5 हफ्ता पहले मीटिंग की थी, जो हमारा इशू था टिम्बर का वो भी हमने उनसे हाईलाइट किया कि अभी जो हमें टिम्बर की ज़रूरत होती है खासकर विंटर्स में ज़्यादा होती है, और जो ये 30-35 फीट से हमारा काम भी नहीं निकलेगा। जो भी रिक्वायरमेंट है एज पर रिक्वायरमेंट वो हमें मिलना चाहिए। और खासकर अभी हम इस इंसिडेंट पर आएंगे, जो भी ये लोग विक्टिम हुए हैं ये सारे हम विक्टिम ही हैं, क्योंकि ये पूरी कम्युनिटी आज विक्टिम है। इसके साथ हम ये हमारी सब लोगों की बदकिस्मती है कि ये जो हेरिटेज है हाउस बोट्स हैं, हर साल कोई ना कोई जल जाता है, कोई डूब जाता है। तो नया बनाने के लिए या इसको फिर अपनी पोजीशन में लाने के लिए बहुत सारी दिक्कतें होती है। इसमें एक सिंगल विंडो क्लियरेंस होनी चाहिए थी, जो भी डिपार्टमेंट है इनको ज़्यादा रोका ना जाए परमिशन के लिए। ये मसले जो हमारे कोर्ट से बाहर आने चाहिए, कोर्ट में नहीं आने चाहिए। तो आगे जब डीसी साहब भी आए थे तो उन्होंने भी अपनी तरफ से आश्वासन दिया है कि जो ये फैमिलीज हैं इनके साथ हम बिल्कुल जो भी जायज इंसाफ होगा करेंगे। तो हमें भी यही उम्मीद है कि सारे डिपार्टमेंट उनके साथ बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। देखिए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है अभी वो मतलब अभी पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो वो पाइपिंग जो है वो अभी लौड़ा वाले कर रहे हैं हर एक जगह। तो वो हमने उनसे बात की थी, एक सर्वे भी हमने किया था जो एक्सपर्ट टीम थी उनकी। तो जहाँ पे कुछ किसी जगह पे जो पाइपें ऊपर हैं तो उनमें अभी ये ट्रायल बेसिस चल रहा है। मेरे को लगता है विद इन वीक्स टाइम ये सारी पाइप अंडर वाटर हो जाएगी, जहाँ पे लोगों को आने जाने या चलने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ये नया प्रोग्राम है, नया प्लांट है, तो पहली बार डल में ऐसा प्लांट हो रहा है। फिर भी जो एलसीएम है इसमें काम कर रहा है, बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, और हमें उम्मीद है कि विद इन वीक्स और 10 डेज टाइम जो उनका टारगेट था कि नवंबर में इसका वो इनॉग्रेट करेंगे हम, तो हो जाएगा। हमारी भी मेरी अभी उनसे पर्सनली वीसी साहब से भी मॉर्निंग में बात हुई, तो मैं उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, वीसी एलसी डीसी साहब, सेक्रेटरी टूरिज्म, डायरेक्टर टूरिज्म, वीसी एलसीएम सवेरे से हमारे साथ इन टच है। मेरे को बिल्कुल मेरे जस्ट अ फोन कॉल अवे तो वो हमारे साथ है, उनकी टीम्स भी आ रही है यहाँ पे। तो ये जो पाइपिंग का मसला है हमने उनकी नोट्स में लाया, तो हम उन्होंने बोला ये ट्रायल बेसिस पे है, तो मेरे को लगता है विद इन वीक्स टाइम ये सारी जहाँ पे भी पाइपें ऊपर है सारी अंडर वाटर 2-2.5 फिट आ जाएंगी, तो फिर कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगा।